शाहजहांपुर में रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र से गायब हुए युवक का शव शुक्रवार दोपहर घर से कुछ दूरी पर खंडहर हो चुके जानवरों के अस्पताल परिसर में फंदे से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की पड़ताल में जुट गई। रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के मोहल्ला सरायकाया निवासी राम जी 19 वर्ष क्षेत्र में ही एक दुकान पर सिलाई का काम करता था। गुरुवार दोपहर राम जी अचानक गायब हो गया। परिजनों ने युवक की काफी तलाश की लेकिन देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। आज दोपहर राम जी का शव मोहल्ले में स्थित खंडहर हो चुके जानवरों वाले अस्पताल के एक कमरे में खिड़की से लटका मिला। खबर फैलने पर परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार करते हुए बताया कि राम जी कल दोपहर 1 बजे के आसपास अचानक गायब हो गया था। देर शाम तक जब राम जी घर वापस नहीं लौटा तो उसके गुमशुदा होने की सूचना दर्ज करवाने पर रामचंद्र मिशन कोतवाली गए, लेकिन पुलिस ने टालमटोल रवैये अपनाते हुए तहरीर लेने से मना कर दिया और फोटो लेकर सुबह आने को कहा, जिसके बाद परिजन वापस लौट आए। आज सुबह भी जब परिजन थाने पर गए तो उनकी नहीं सुनी गई। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस ने रात में ही उनकी सुन ली होती तो शायद उनका बेटा जिंदा होता। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही जी। मैं यार दिन के 1 बजे तक गायब था, हमने मोहल्ले में होएगा, फिर 5 बजे हम लोगों ने ढूंढने लगा। किस अवस्था में मिला है आज वो? आज वो लटका हुआ था बहुत ऊंचे सब में। नहीं, आपको किसी से रंजिश है? नहीं भैया, रंजिश नहीं किसी से। बताओ ऐसे कैसे कहते? अभी बच्चे यहाँ खेलने गए, अंदर घुसे तो बच्चों ने बताया। करता क्या था विषय बेटा? पहले इन्होंने पढ़ाई की, 10वां पास था, फिर कुछ हालात गरीबी में ऐसे थे तो फिर ये काम करने लगा था। इस समय नहीं पढ़ता था? नहीं, काम करता था। क्या नाम लड़के का? राम जी।